Whoa, 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 hey, 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 hey! A few moments later. Hello guys, तो मेरा स्पीकर आ गया है. मैंने Amazon से मंगाया था और ये एक ही दिन में आ गया है मुझे, थोड़े कुछ घंटे के बाद. Okay, क्योंकि मैं प्राइम मेंबर हूँ Amazon की, वन डे डिलीवरी में मुझे ये स्पीकर मिला है. Amazon में इसकी प्राइस थी 350 रुपीज. ओके, और इसका MRP है 599 रुपीज. ओके, और ये है Zep Pluto 2.0 स्पीकर. ओके, और ये लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल पे कनेक्ट हो सकते हैं. तो मैंने मेरे लैपटॉप के लिए मंगाया था, तो चलो अनबॉक्सिंग करके देखते हैं क्या है इसमें. इसका बॉक्स तो ठीक ठाक ही है, मैंने पहले ही ओपन करके चेक कर लिए थे, फिर भी आपके लिए मैं एक बार. ये इसका कॉर्ड है. ओके, और 350 के कंपैरेटिवली अच्छा, ये क्वालिटी अच्छी ही है इसकी. यहाँ पे इसका वॉल्यूम बटन आता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे बटन, यहाँ पे ये स्क्रोल दिया गया है. ओके, काफ़ी बड़ा है ये. इसमें दो कॉर्ड दिए गए, एक तो USB कॉर्ड है पावर के लिए, वो ज़्यादा वो काफ़ी अच्छा है. और ये एक ऑक्स केबल दिया गया है, जो एक अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे अपन कनेक्ट कर सकते हैं. मैं अभी स्पीकर चाह निकाल के देखती हूँ कैसे स्पीकर ऐसे हैं. स्पीकर तो वैसे काफ़ी अच्छे दिखने में है, मिनी स्पीकर है. और इसके ऊपर ज़ेब्रोनिक का नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है ज़ेब्रोनिक का नाम लिखा हुआ है. 2.0 स्पीकर 5 वॉट के है. ठीक है, स्पीकर दिखने में तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं. चलो हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं कि मेरे लैपटॉप पे चलते कैसे हैं. हेलो गाइस, ये हमारा नया व्लॉग है. हम लोग जा रहे हैं स्कूटर, और ये है हमारी स्कूटर. तो आपने इसका वॉल्यूम देखा, उसका बेस देखा, मुझे तो काफ़ी पसंद आया. ओके, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको आपके लैपटॉप के लिए, डेस्कटॉप के लिए, मोबाइल के लिए ये स्पीकर लेना है कि नहीं लेना है. ओके, मैंने तो बाय कर लिया और मुझे बहुत पसंद है. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.